सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। शालीनता से बात कीजिए दोस्तों, इज्जत मुफ्त में मिलेगी। आपकी खूबियां ही आपका मार्गदर्शन करती है। अन्याय में सहयोग देना अन्याय के ही समान है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करूं। समय, शक्ति और पैसा कभी भी एक साथ नहीं आते। आज का पंचांग 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, रात्रि 3:14 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र रात्रि 2:44 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्र नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:40 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। आप सभी को नाग पंचमी की शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। धनुराशि 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार, यह सही समय जबकि आपको अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर अपनी आसपास की स्थितियों और अपनी स्थिति को ध्यान से समझना है। आप अपने विभिन्न कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बहुत भाग दौड़ करते रहे हैं। अब आप अपनी क्षमता भर इन्हें पूरा कर चुके हैं। अब आराम से बैठकर अपने प्रयासों और मेहनत का आनंद उठाने का समय है। दिन की शुरुआत किसी सुखद समाचार से होगी। आप प्रफुल्लित और सुकून महसूस करेंगे और तनाव मुक्त होकर अपने अन्य कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। परिवार संबंधी चल रही किसी समस्या का भी हल मिल सकता है। व्यक्तिगत जीवन की बात का असर काम पर ना हो इस बात का ध्यान रखें। परिवार से संबंधित बातों को फिलहाल गोपनीय रखें। विचारों में आ रहे बदलाव के कारण जीवन को देखने का नजरिया बदलेगा। योग्य लोगों के साथ वक्त बिताने से सकारात्मकता बढ़ेगी। काम की जगह बढ़ोतरी प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा या ट्रेनिंग लेनी होगी। रिलेशनशिप ठीक रहेगा, पार्टनर से चर्चा करके जरूरी निर्णय लें। शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है, ख्याल रखें। आपका धन यदि कहीं फंसा हुआ था तो उसके मिलने की संभावना है। कोई कानूनी मामला यदि लंबे समय से विवादित था तो वह आज सुलझ सकता है। आप अपनी सुख सुविधाओं की चिंता पर ज्यादा ध्यान आप अपने सुख सुविधाओं की चिंता पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आपको किसी बड़े इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। आप किसी नई कंपनी से जुड़कर अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। किसी अजनबी पर आप बहुत ही सोच विचार कर भरोसा करें। सावधानियां, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें और न ही उलझें। बाहरी गतिविधियों में ज्यादा समय न व्यतीत करें। अपने काम पर ध्यान दें, साथ ही अनावश्यक खर्चों पर भी काबू पाएं और अपनी बजट का ध्यान रखना आपको आर्थिक परेशानियों से बचाएगा। बात करते हैं लव लाइफ की। कुछ समय परिवार तथा बच्चों के लिए निकालना घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय बर्बाद ना करें। अब अपनी जिंदगी में अपने उस खास आदमी के लिए आपको अपना स्वभाव और काम बदलने की जरूरत है। आज आपको यह समझ में आएगा कि आप जिसे आकर्षित करना चाहते हैं उसके आपकी ओर आकर्षित होने की अधिक संभावनाएं सीधे तरीके से हैं, न कि उन चालों से जो आप पहले से खेल कर जीत हासिल करते रहे हैं। यह आदमी उन सब से अलग है और इसे आपसे खुलेपन और ईमानदारी की उम्मीदें हैं। बात करते हैं करियर की। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग दिशाओं में आपका मन भाग रहा है और निर्णायक निर्णय लेने में आप असमर्थ रहे हैं। हालांकि आज आपको दृष्टि के एक दुर्लभ स्पष्टता का अनुभव होगा और आप अपने कार्यस्थल पर मुद्दों के बारे में स्पष्ट और उचित निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आपको किसी से अच्छी करियर सलाह मिलने की भी संभावना है। आज आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में आने की संभावना है जो आपके भविष्य के करियर के लिए बहुत प्रभावशाली साबित होगा। कार्यस्थल पर बहुत व्यस्तता का माहौल रहेगा। आपके उचित सामंजस्य से कर्मचारियों के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होगी। आपसे संबंधों में सुधार होगा। नई योजनाओं पर काम करने के लिए समय पक्ष में नहीं है।
बात करते हैं सेहत की। आज आप अपने वर्तमान जीवन शैली के स्वास्थ्य जोखिम के बारे में जागरूक रहेंगे और इसमें सुधार के लिए कोई कार्यक्रम बनाएंगे। कुछ कारणों से आपको किसी स्वास्थ्य संबंधित जांचें करानी होगी और इससे आप संभावित खतरे के प्रति सावधान हो जाएंगे। आप पहले ही कई बार इससे बेहतर जीवन शैली अपनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इस बार आपको यह करना थोड़ा आसान रहेगा। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी को नारियल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।